चलिए आज हम बात करते हैं, लाइफ का एक मोबाइल है, देख रहे हैं लाइफ का ये मोबाइल है, ये LS बता देते हैं आपको मॉडल। LS आपका है 4503। इसमें क्या है, सेट डेड है, यानी ऑन नहीं हो रहा है। कस्टमर का कंप्लेन है आपका सेट ऑन नहीं हो, मतलब ऑन नहीं हो रहा, डेड है। इसको कैसे हम ऑन करेंगे वो आज के वीडियो में बताएंगे। इसी तरीके से जो आज हम लोग वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरीके से जो भी स्मार्टफोन है वो कैसे, अगर वो डेड हो जाए, ऑन नहीं हो रहा है, उसको कम कैसे हम ऑन करेंगे वो तरीका आज आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये बैटरी हम लोग देख रहे हैं कि बैटरी आपका और चार्ज है या नहीं है। ये आपका बैटरी हो गया, तो बैटरी को सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करते हैं। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट कीजिए और बैटरी को चेक कीजिए। सबसे पहला स्टेप, बैटरी चार्ज होगा तभी सेट ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम लोग देख रहे हैं कि बैटरी 3.15 है, यानी बैटरी डिस्चार्ज है, चार्ज नहीं है, जिसके कारण भी आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। तो ये बैटरी एक्सचेंज करके देखेंगे, बैटरी अगर अवेलेबल है तो एक्सचेंज कीजिए, नहीं है तो हम लोग DC पावर सप्लाई मशीन का यूज करेंगे, जो कि हमारे पास है DC पावर सप्लाई मशीन। उस मशीन से इसको हम लोग ऑन करके देखेंगे, उसी पर स्टेटस पता चलेगा क्या है नहीं है। उसके पहले इस बोर्ड का हम लोग थोड़ा कंडीशन भी देख लेते हैं कि मोबाइल किस कंडीशन में है। तो कंडीशन चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करते हैं और इसके दोनों बैटरी कनेक्टर के दोनों प्रोब को रखते हैं, BC के पॉजिटिव तथा निगेटिव पिन पर टच करते हैं। तो देख रहे हैं ये आपका बैटरी हो गया सिंबल, ये निगेटिव पोल होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव, ये निगेटिव से बीप दे रहा है, ये पॉजिटिव हो गया। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कीजिए और BC के दोनों प्रोब पे टच कीजिए, यानी पॉजिटिव निगेटिव पे। देखिए हम टच कर रहे हैं, तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव निगेटिव पे टच किए, कोई भी वैल्यू नहीं आया, कोई वैल्यू नहीं आया। फिर हम लोग जस्ट वायर को चेंज करके चेक करते हैं, वायर को चेंज किए तो 327 रीडिंग आया, 300 वैल्यू। तो देख रहे हैं कि वन साइड वैल्यू आया, वन साइड नहीं आया, तो यानी आपका सेट जो है ओके कंडीशन में है, मोबाइल आपका क्या है, ओके कंडीशन में, ऑन नहीं हो रहा। अब देखिए हम DC पावर सप्लाई मशीन से चेक करेंगे। अब यहाँ पे आपका DC पावर सप्लाई मशीन है, इस मशीन का ये रेगुलेटर हो गया, यहाँ पे जितना वोल्ट यूज करना है वहाँ पे इसको सेट कीजिए, 3.7 सेट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका मोबाइल को पॉजिटिव टू पॉजिटिव और निगेटिव टू निगेटिव चेक करेंगे, सही है। हम पॉजिटिव और पॉजिटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू निगेटिव चेक किए और यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लोग रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एम्पियर का मीटर है हम, और यहाँ पे देख रहे हैं ये पावर का स्विच है सबसे नीचे वाला, ये वॉल्यूम का होता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये पावर का है, ये वॉल्यूम का ऊपर नीचे, पावर का सबसे नीचे वाला है। तो इसको हम प्रेस कर रहे हैं, देखिएगा मीटर पे आप लोग देखिएगा, प्रेस किए कोई रीडिंग नहीं है, कोई रीडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई थोड़ा सा भी वेरिएशन नहीं है मीटर का, ये जो सुइया है थोड़ा सा भी वेरिएशन नहीं है। यानी हम जो लोग जो ऑन ऑफ स्विच को प्रेस कर रहे हैं, इस पर वोल्टेज की भी समस्या हो सकती है, यानी सप्लाई का यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा, जिसके कारण ये कुछ एम्पियर नहीं ले पा रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए अब इसको देखते हैं, हम हॉट टेस्टिंग में आते हैं, इसको अब मोबाइल को खोल के इसको अब रिपेयर करेंगे, कैसे क्या करेंगे देखिएगा आप लोग। देखिए अब इस मोबाइल को हम लोग ओपन करेंगे इस तरीके से, ट्विजर के माध्यम से किसी तरीके से इसको ओपन करेंगे। देखिए हमारे यहाँ मोबाइल से रिलेटेड बहुत तरह के कोर्स कराई जाती है, जैसे कि LCD हो गया, अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा LCD LED का क्रेज है। उसके साथ साथ आपको लैपटॉप का भी कोर्स कराई जाती है हमारे संस्था में, हमारे संस्था के नाम है AK इन्फो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि पटना में है, हाजीपुर में भी है, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। कभी भी आप आके यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको 2 दिन का डेमो क्लास भी दिया जाता है, डेमो क्लास कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है डेमो क्लास करने के लिए। इस मोबाइल को हम लोग देख रहे हैं कि ऑन कर दिए, ऑन करने के बाद यहाँ पे जो है आपका ये देख रहे हैं पत्ता, ये पावर का है, यानी वॉल्यूम के साथ पावर का भी कनेक्ट है। हो सके तो ये पत्ता हमारा टूट गया हो बीच में, ये ब्रेक हो गया हो, या स्विच के ऊपर कार्बन लग गया हो,
जिसके कारण ये दोनों टिप्स आपस में शॉर्ट नहीं होता है, जिसके कारण ऑन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग पावर का टिप्स है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है PWR, यानी ये हो गया आपका पावर का टिप्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर सप्लाई दे के अब पावर को इसे यहाँ से शॉर्ट करके देखेंगे, हो सके कहीं ये पता डैमेज हो या ये आपका स्विच जो लगा हुआ डैमेज हो। देखिए यहाँ पे फिर कनेक्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे आपको। ऐसे ही पॉजिटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू निगेटिव सेट करना है, और ट्यूजर के माध्यम से, अब ट्यूजर के माध्यम से क्या करेंगे, ये जो पावर का टिप्स हमारा है इसको हम ग्राउंड से टच करेंगे। ग्राउंड से टच करेंगे, पावर पर रीडिंग देखते हैं। डीसी पावर सप्लाई पे कीजिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोई रीडिंग नहीं है, यहाँ तक का भी सप्लाई मेरा कट गया है। तो इस पर सप्लाई चेक करने के लिए देख लेंगे वायर को कनेक्ट किए हैं सही है, इस पर वैल्यू चेक करेंगे। सॉरी, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच का जो टिप्स है ये देख रहे हैं, इस पर वोल्टेज आता है ऑन ऑफ स्विच के ऊपर, इस पे वोल्टेज आना चाहिए कितना, 1.8 वोल्ट से लेके 3.8 वोल्ट तक। अगर इसके बीच में वोल्टेज आपका आ रहा है तो यानी पावर का रास्ता सही है। तो ऐसे पावर हम लोग दे दिए हैं मोबाइल में, और इस पे वोल्टेज चेक करें। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट कीजिए, वायर को एक बार कोई सा ग्राउंड कीजिए, वोल्टेज चेक कीजिए। इस पे हम लोग वोल्टेज चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई रीडिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, जिसके कारण आपका सेट ऑन। तो वोल्टेज नहीं आने के कारण हो सकता है आपका ऑन ऑफ स्विच का ट्रैक जो ब्रेक हो सकता है, ट्रैक भी चेक कर लेते हैं। देखिए कंटिन्यूटी पर चेक कीजिए, सेट कीजिए मल्टीमीटर को, और रेड वायर को हमेशा ग्राउंड पे रखते हैं, और ब्लैक वायर से जो पॉजिटिव पिन है पावर का यहाँ पे उस टिप्स पे टच कीजिए। टच करने पर मेरा रीडिंग आता है, यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीमीटर में कोई रीडिंग नहीं है, एक का एक ही है। तो इससे मालूम होता है कि आपका जो ऑन ऑफ स्विच है उसका रास्ता यानी ट्रैक टूटा हुआ है, ब्रेक है। अगर सही रहता तो कुछ ना कुछ रीडिंग आता, यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ऑन ऑफ स्विच का ट्रैक टूटा हुआ है। तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे, देखिए आगे बताते हैं। अब क्या करना है, आपको बोर्ड को प्रॉपर निकालना है। आपका मोबाइल बोर्ड से वहाँ से बाहर कर दिया, यहाँ पे पावर का ट्रैक टूटा हुआ है। तो एक क्या कीजिए, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कीजिए, और एक बार टिप्स पे रखिए, दूसरी बार से चेक कीजिए इसके आसपास कंपोनेंट को। जो ऑन ऑफ स्विच का जो वहाँ पे कंपोनेंट होगा वो टिप्स के जस्ट आसपास में ही होता है, देखिए यहाँ पे कहीं नहीं है। कि आयरन के द्वारा इस दोनों टिप्स को शॉर्ट करेंगे, जो यहाँ पे था ना, यहाँ पे दोनों टिप्स जो ओपन था, अभी दोनों टिप्स को हम लोग शॉर्ट करेंगे आपस में। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये दोनों टिप्स को हम लोग शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट करने के बाद अब देख रहे हैं ऑन ऑफ स्विच के ऊपर कि यहाँ पे मेरा कंटिन्यूटी आया कि नहीं, सेम कंटिन्यूटी पर सेट कीजिए, उसके बाद ये टिप्स पे कंटिन्यूटी चेक कीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी आ गया मल्टीमीटर पे। ठीक है, तो यानी ऑन ऑफ स्विच का जो ब्रेक हुआ था ट्रैक वो हम लोग कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूटी आ गया। अब इसको हम सेट को ऑन करके देखेंगे, ठीक है, फिर इसको असेंबल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं, एके इन्फो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे यहाँ लैपटॉप का कोर्स, LCD LED का कोर्स भी कराई जाती है, ठीक, उसके साथ साथ प्रिंटर का भी कोर्स कराई जाती है। कोई भी अगर इच्छुक हैं तो मेरे इंस्टीट्यूट में आइए, इंक्वायरी कीजिए, विजिट कीजिए। उसके बाद और हमारे टोल फ्री नंबर पे ये आपका कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैटरी के द्वारा ऑन करेंगे। अब देख रहे हैं कि अधिक, अगर आपको अधिक जानकारी करना हो इंस्टीट्यूट के बारे में तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9708441666, इस नंबर पे कॉल करके विशेष जानकारी ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम बैटरी के माध्यम से इसको ऑन करेंगे। ये कनेक्ट किए और ये पावर बटन है, पावर बटन को दबाएंगे, ऑन करेंगे, देख रहे हैं आपका सेट ऑन हो गया। ठीक है, इसमें तकलीफ क्या था मेन, कि आपका पावर का जो ट्रैक कट है, पावर का जो बटन था ये काम नहीं कर रहा था, जो कि पावर का ब्रेक था रास्ता, तो
हम लोग क्या किए, पावर के ट्रैक में जो एक रजिस्टर लगा था या कॉइल लगा था वो हट गया था, शॉर्ट हो गया, ओपन हो गया था। तो हम लोग क्या किए, उसके नीचे वो दोनों टिप्स को शॉर्ट कर दिए, जिसके कारण आपका सप्लाई आ गया। सप्लाई आने के बाद आपका सेट ऑन हो गया। इसी तरीके से आपको कोई भी स्मार्टफोन इस तरह से करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें।